मंत्री लाल जवंत कटारू जाके जिथे कैबिनेट मंत्री ने उथे उना दी पत्नी नू सरपंची मिली है जो पंचायती चोणा दे विच उम्मीदवार वजो चोण लड़ रहे सन, पर हुण उना ने सरपंची दी चोण जीत ली है, जिस कारण हुण पिंड दे विच खुशी दा माहौल वेखण नू मिल रहा है। लोकां ने लड्डू वंडे ते पटाके ते आतिशबाजी भी चलाई। जानकारी मुताबिक उना दी धर्म पत्नी सरपंची दी चोण लड़ रहे सन ते 350 वोटां ते उना ने जीत दर्ज करवाई है। यह भी दसना बंद है कि लगातार 6वीं बार मंत्री दे परिवार दे विच सरपंची आई है, जिस कारण हुण पिंड दे विच जशन दा माहौल वेखण नूं मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री दी धर्म पत्नी उर्मिला कुमारी पिंड दी सरपंच बन चुकी है, जिन्हां ने 350 वोटां दे नाल जीत दर्ज करवाई है, जिस कारण हुण पिंड दे विच खुशी दा माहौल वेखण नूं मिल रहा है। लगातार 6वीं बार मंत्री दे परिवार दे विच सरपंची आई है। सब तो पहले तो कटारू चक के वोटरां का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शानदार ढंग के नाल इस बार फिर जिहड़ी चोण प्रक्रिया संपन्न हुई है, सो मैं समुचे पिंड वासियां दा, सारी टीम दा, चाहे किसी ने विपक्ष वोट पाई है चाहे पक्ष पाई है, उन्हां दा शुक्रिया, और सारे जिहड़ा स्टाफ भी आया अमला फैल उन्हां दा भी धन्यवाद। सो मैनूं खुशी आ कि लगातार 6वीं वार इस नगर दे लोकां ने अपने आप जी इतिहास है कि एक फ्यूडल आउटलुक तो साडा देश निकल के आया, जिथे अजे भी औरतों नूं कुड़ियों नूं समझा जांदा भी ये काम नहीं कर सकदियां, पर सामने धारना भी लगातार मतलब जो 6वीं बार सरपंच बने हैं। सो पिंड दे लोकां दा शुक्रिया धन्नवाद। सो लगातार मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई दे विच जिस तरह अज हल्के भोए दे पिंडां चों खबरां आ रही ने, मतलब नवे लोग नवे चेहरे ते नौजवान बच्चे जिहड़े आ सरपंच बन रहे आ, बड़ियां शानदार रिपोर्टां आईयां ने, कल तक सारी क्लीयर हो जाऊगी। सो मैं फिर दोबारा अपने पिंड वासियां दा शुक्रिया अदा करदा, वोटरां दा करदा, विपक्ष दा भी करदा, पक्ष दा भी करदा। सो अगली नवी पारी दे लई नवीआं उम्मीदां लै के नवीआं आसां ਅਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਪਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਹਲਕੇ ਭੋਏ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਭੋਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।